हम जैसे ही हमें ये खबर पहुंची कि वहाँ पे इस तरह से फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति बिहेव किया जा रहा है, हम तुरंत हॉस्टल्स के अंदर रहने लग गए। लाइटें बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की आक्रामकता हमारे प्रति नहीं की जाए, और फिर हम वहाँ से फ्लाइट करके इंडिया आ गए। किर्गिस्तान में हुई हिंसा ने उज्जैन के मेडिकल छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया। मध्य प्रदेश के कई छात्र इस हिंसक माहौल में फंस गए थे और अब धीरे धीरे सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं। उज्जैन के छात्रों ने लौटने के बाद लोकल 18 को अपनी आपबीती सुनाई, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उज्जैन के कई छात्र किर्गिस्तान में हुई हिंसा के बीच फंसे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं। उज्जैन के छात्र रवि सराठे, जो किर्गिस्तान में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने लौटने के बाद लोकल 18 को अपनी आपबीती सुनाई। 17 मई को किर्गिस्तान में स्थानीय लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स के खिलाफ आक्रामक हो गए थे। मेरा नाम रवि सराठे है, मैं उज्जैन एमपी का निवासी हूँ। मैं किर्गिस्तान के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। मैं थर्ड ईयर का छात्र हूँ और वहाँ पे 17 तारीख को जो लोकल्स थे फॉरेन स्टूडेंट्स को के प्रति बहुत आक्रामक हो गए अचानक से, और बहुत वहाँ पे मारामारी और गलत तरीके से फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रीट करा गया। वहाँ के हॉस्टल्स पे फॉरेन लोकल्स घुस जा रहे थे और पीट रहे थे वहाँ के स्टूडेंट्स को, और वहाँ पत्थरबाजी भी की गई और बहुत गलत माहौल बन गया था। उज्जैन से मेरे साथ हॉस्टल में विवेक शर्मा, रोहित पांचाल और योगेश चौधरी मौजूद थे। साथ में ही वहाँ पे कुछ बच्चे अभी भी बिश्केक में मौजूद हैं, जिसमें रिया टाटावत और राज सोलंकी है। वहाँ पे इजिप्टियंस एक हॉस्टल था जहाँ पे कुछ लोकल्स घुस गए थे, और इजिप्टियंस और वहाँ के लोकल्स के बीच में मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ के बाद वहाँ के जो लोकल्स थे वो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति बहुत आक्रामक हो गए थे। रवि ने बताया कि वहां स्टूडेंट्स को पीटा गया, पत्थरबाजी की गई और गलत तरीके से ट्रीट किया गया। माहौल इतना खराब हो गया था कि इसलिए शाम होते ही हम लोग हॉस्टल की लाइट बंद कर देते थे कि किसी को यह जानकारी ना लगे कि अंदर कोई है। रवि ने बारीकी से पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि वहां पर हर चीज इतनी महंगी हो गई थी कि उसको हम उसे नहीं कर सकते थे। हमने डायरेक्ट वहां से फ्लाइट देखी थी तो बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए हमें पहले कजाकिस्तान से अबू धाबी, उसके बाद दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट लेना पड़ी, उसके बाद हम उज्जैन पहुंचे। हम जैसे ही हमें ये खबर पहुंची कि वहाँ पे इस तरह से फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति बिहेव किया जा रहा है, हम तुरंत हॉस्टल्स के अंदर रहने लग गए। लाइटें बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की आक्रामकता हमारे प्रति नहीं की जाए, और फिर हम वहाँ से फ्लाइट करके इंडिया आ गए। जब मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने हमसे बात की और हिम्मत रखने को कहा। उनके शब्दों से हमें मोटिवेशन मिला और हमने जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़कर वापस आने का निर्णय लिया। जैसे ही ये पता चला सरकार को, सीएम सर का कॉल तुरंत हमारे पास आया। पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल पे सीएम सर की बात हुई और उन्होंने हमारी बहुत हिम्मत बांधी। उन्होंने बोला कि अपन तो उज्जैन के हिम्मत वाले लोग हैं, तो अपन को इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, जिसके कारण हमें बहुत मोटिवेशन मिला और उसी कारण से हमने जितनी जल्दी हो सका वहाँ से फ्लाइट करके फिर हम इंडिया आ सके। जिस दिन ये हुआ, मैंने मेरे माता पिता को तुरंत व्हाट्सएप पे ये बात बताई कि वहाँ पे ऐसा हालात चल रहे हैं। पापा बहुत चिंतित हो गए थे, मम्मी भी बहुत चिंतित हो गई थी। फिर पापा ने सीएम सर को एक पत्र लिखा जिसमें कि उनने चिंता जताई कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स का वहाँ पे हालात है उसको लेकर, और सीएम सर ने तुरंत ही फिर हमें वीडियो कॉल करा था। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।